केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात और खतरनाक स्थिति ये है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना अपना विकराल रूप लेने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत के राज्य में कोरोना के जितने सक्रिय मरीज हैं उसमें से 3 गुना ज्यादा सक्रिय मरीज तो सिर्फ असम में हैं, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में भी कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या और सक्रिय मरीजों की संख्या कम न होने के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के राज्यों में समीक्षा रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्य असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण के तकरीबन 67,000 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इन राज्यों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बीते कुछ दिनों से बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्वी भारत के सभी 8 राज्यों में 5,500 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ एक दिन में सामने आए हैं, जबकि इतने ही राज्यों में बीते 24 घंटे में 73 संक्रमितों की मौत हुई है। कोविड 19 के मामलों पर नजर रखने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नेशनल कोविड टास्क टीम के सदस्य डॉक्टर एन के अरोड़ा कहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के हालात में निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है, खास तौर से सक्रिय मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर बहुत सजग रहने की जरूरत है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, चंडीगढ़, बिहार और झारखंड में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या महज 5,500 ही है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों की तुलना अगर पूर्वोत्तर के राज्यों से करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ हालात बहुत बेहतर हैं, जबकि पूर्वोत्तर के हालात बेहद खतरनाक स्थिति की ओर जा रहे हैं। अगर मरीजों की संख्या नियंत्रित नहीं हुई तो इन राज्यों में हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।